मीनाक्षी लेखी बीजेपी के सक्रिय और ऊर्जावान नेताओं में से एक हैं। वे बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी। पिछले लोकसभा चुनाव में मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। ये मीनाक्षी का पहला लोकसभा चुनाव था। वे बीजेपी की बेहद मजबूत नेता हैं और यही वजह है कि एक बार फिर अजय माकन के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। मीनाक्षी लेखी ने DU से LLB की डिग्री हासिल की और 1990 में दिल्ली बार काउंसिल की सदस्य बनी। मीनाक्षी लेखी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। मीनाक्षी कई ऐसे संगठनों से जुड़ी रहीं जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। मीनाक्षी वकीलों के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पति अमन लेखी भी पेशे से वकील हैं। शुरुआत में मीनाक्षी ने कई NGO के लिए काम किया। इसी बीच मीनाक्षी लेखी RSS के संगठन स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी। इसी दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने की पेशकश की और उन्हें महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष बनाया गया। यहीं से मीनाक्षी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। अजय माकन को 2014 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त देने के बाद चर्चा में आई मीनाक्षी का सामना कई बार विवादों से भी हुआ। बहरहाल एक बार फिर मीनाक्षी लेखी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। सामना फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय माकन से है और नतीजों पर पूरी दिल्ली की नजर है।